हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट टू। कल हमने पार्ट वन आपके साथ डिस्कस करा था, जिसमें हमने आपको कैलकुलेशन ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर के बारे में बताया था और उसके बेस प्रैक्टिकल सम भी डिस्कस करे थे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अब इररिडीमेबल का सेकेंड पार्ट, दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर, उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, बात करेंगे। हम इस वीडियो में फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। एग्जाम में ज्यादातर रिडीमेबल डिबेंचर पर ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और हम इसके बारे में प्रैक्टिकल सम भी करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे व्हेन द रिडीमेबल डिबेंचर इश्यूड एट पार, व्हेन द रिडीमेबल डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, व्हेन द रिडीमेबल डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो होते हैं उसको हम दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसने हमारा पार्ट वन देखा है उसको इस बारे में पता ही होगा। हम एक बार फिर थोड़ा सा क्विक रिकैप ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम टू काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। सीरीज वन में हमने आपके साथ इररिडीमेबल डिबेंचर के बारे में डिस्कस करा था, उसके फॉर्मूलास देखे थे कि बिफोर टैक्स क्या होता है और आफ्टर टैक्स क्या होता है। ये सारा टॉपिक हमने अपने पार्ट वन में कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन को क्लियर करिए, देन आपको पार्ट सेकेंड जो है वो बहुत इजिली समझ में आ जाएगा। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहेगा, रिडीमेबल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। नाउ फॉर्मूला, तो जो आज हमने टॉपिक करना है उसकी फॉर्मूलास क्या है पहले हमें वो देखने होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मूलास क्या है हमारे पास। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की और उसके अंडर हम बात कर रहे हैं बिफोर टैक्स। ठीक है, तो बिफोर टैक्स का पहले हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल आपने कल भी, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डी करा था। डी का क्या होगा राजू? डी ए, क्योंकि ये मेरा आफ्टर टैक्स में हम ए यूज करते हैं। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे ए की जगह पे मेरे को क्या डालना चाहिए था, बी। तो हमारा जो बिफोर टैक्स होता है उसका होता है डी बी। ठीक है, ये मेरा क्या है राजू, सिंबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए, आप ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट प्लस, इंटरेस्ट के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस वन अपॉन एन आर वी माइनस एन पी। आर वी होता है मेरा रिडीमेबल वैल्यू, ये रहती है मेरी नेट प्रोसीड, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट रिडीमेबल वैल्यू प्लस एन पी नेट प्रोसीड। ये किसका फॉर्मूला राजू मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, बिफोर टैक्स का हमने फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करा है। चलिए टर्म्स हम दोबारा मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या है। आई फोर मेरे पास यहाँ पे होगा इंटरेस्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है एनुअली। एम फोर क्या होने वाला है, ईयर्स होने वाले हैं, कौन से ईयर, रिडेम्पशन के लिए, रिडेम्पशन ईयर्स। आर वी,
आपके पास क्या होने वाली है, आर दी रिडीम वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपके जो डिबेंचर है वो रिडीम होंगे। वो क्वेश्चन बताएगा कि वो पार पे रिडीम होंगे के प्रीमियम पे होंगे के डिस्काउंट पे होंगे, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम उसको ये अज्यूम करते हैं कि वो रिडीम एट क्या होने वाले हैं, पार। एनपी, एनपी का क्या यहाँ पे मतलब है, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है जिस प्राइस पे आप इनको क्या करोगे, इश्यू करोगे। तो इश्यू भी आप थ्री काइंड में कर सकते हैं ना, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट। ठीक है जी, तो हमारे पास ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि आई फोर क्या आने वाला है, इंटरेस्ट प्लस वन अपॉन एन, एन इज रिडीमेबल ईयर्स जितने आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, आर वी इज रिडीम वैल्यू माइनस एन पी, वन अपॉन टू रिडीम वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास कौन सा केस था, बिफोर टैक्स का। अब जिन बच्चों ने मेरी कल की वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि बस हमने अगर यही वाला केस ही करना है, बट हमने क्या करना है, आफ्टर टैक्स करना है, तो ये सेम फॉर्मूला रहने वाला है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या राजू बताओ, आपने सिंपली आई के बाद क्या लगा देना है, वन माइनस टी। ठीक है जी, वन माइनस टी और सेम फॉर्मूला फॉलो करोगे, प्लस वन अपॉन एन, यहां पे मैं ऊपर लिख के बता देती हूँ आपको ये फॉर्मूला, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास, तो मैं ये फॉर्मूला आपको ऊपर लिख के बता दूंगी। आप देखेंगे कि आफ्टर टैक्स में भी कोई आपके पास, आपको याद ही नहीं करना आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला, तो आफ्टर टैक्स में जस्ट आपको वन माइनस क्या लगा देना है, टी लगा देना। देखिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वन माइनस क्या लग जाएगा, टी प्लस एज इट इज, अब मैं लिखूंगी जो मैंने पहले लिखा था, आर वी माइनस नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाय वन बाय टू आर वी प्लस नेट प्रोसीड। ठीक है जी, तो यहां देखिए बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम रहता है, बस आफ्टर टैक्स में हम इस आई के साथ वन माइनस क्या लगा देते हैं, अपना टैक्स रेट। तो टी फोर आपके पास यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट। तो ये मेरा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का क्या था राजू, फॉर्मूला था। सिंबल मैंने करवाया है के डी बी फॉर बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ देखिए के डी ए कर दोगे आफ्टर टैक्स के लिए, बिफोर टैक्स के लिए के डी वी फॉर्मूला यूज कर। ठीक है जी, ये हमारे आज के फॉर्मूलास थे। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल सम के ऊपर कि इनके सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए सम बोल रहा है, अ कंपनी इश्यू 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 5000 के आपके डिबेंचर, 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 थे, 100 ईच मतलब आपके पास कितने हो गए जी, रुपीज कितने हो गए, 5 लाख। कैसे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो ये मेरे पास कितने रुपीज आ गए, 5 लाख। अब आपके पास 12% दे रखा है, ये जो 12% है ये मेरा इंटरेस्ट, ठीक है, आई हो जाएगा। इसमें देखिए अंडरराइटर कमीशन रुपीज 25,000, तो जो कंपनी है उसने अंडरराइटिंग कमीशन भी दी है 25,000 की। द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 5 इयर्स, तो रिडेम्पशन जो इयर्स हैं, हमने बोला था ना एन लेंगे हम,
एन यहाँ पे कितना आने वाला है 5 years, ठीक है। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग टैक्स रेट 50%, तो यहाँ पे मेरा टैक्स रेट भी बता दिया गया है 50%, और मेरे को ये नहीं बताया गया कि रिडीम वैल्यू कितनी होगी, कितने पे वो रिडीम होंगे, तो साइलेंट है, तो मैं इसको पार पे ही क्या कर दूंगी, रिडीम कर दूंगी, 500 पे ही हम सोच लेंगे कि ये क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, अपना फॉर्मूला, ठीक है। ये आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला है, तो पहले हम उसका सिंबल देंगे जी। सिंबल क्या है, के डी ए इक्वल टू क्या था, आई वन माइनस टी, फिर हमारे पास था प्लस, फिर हमने डालना था 1/n रिडीम वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाय 1/2 आरवी माइनस नेट प्रोसीड, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या था, सारा उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या हमें चाहिए। यहाँ पे हम अपने वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, तो हमें वर्किंग नोट्स के लिए सबसे पहले दिख रहा है कि मेरे को आय चाहिए, क्या चाहिए, आय। तो आई करने के लिए मैं क्या करूंगी, 5 lakh मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो ये कर करा के मेरे पास आ गया 60,000, ठीक है जी। एन हमने डिस्कस कर ही लिया था कि मेरे पास 5 है। अब मैं करती हूँ रिडीम वैल्यू, रिडीम वैल्यू में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, और ये कितनी ही रह जाएगी, 5 lakh। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड देखिए आपके पास कितने थे जी, 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, अंडरराइटिंग कमीशन दे रखी है 25,000, ठीक है जी। 25,000 की अंडरराइटिंग कमीशन है, और डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर, टैक्स रेट इसने बोल रखा है मेरे को 50%, तो इसमें इसने क्या नहीं कर रखा, कुछ भी और कोई बात नहीं बता रखी, कि फिर इसने इश्यू भी के बारे में भी कुछ बात नहीं बता रखी है कि वो डिस्काउंट पर हैं या पार पर हैं या आपके प्रीमियम पर हैं। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास जो इश्यू हुए थे डिबेंचर वो मेरे पार पर ही हुए हैं, सिर्फ मेरे पास अंडरराइटिंग एक कमीशन है जिसको मेरे को डील करना है, अंडरराइटिंग कमीशन को। तो नेट प्रोसीड जो मेरी आने वाली है वो आएगी 5 lakh माइनस अंडरराइटिंग कमीशन, तो ये कर करा के मेरे पास आने वाला है 5 lakh माइनस कितनी है जी, 20,000, तो 4,75,000 जो है वो मेरे पास राजू क्या आ गई, आपके पास नेट प्रोसीड आ गई, ठीक है। तो अब मेरी सारी कैलकुलेशंस जो है वो डन हो चुकी हैं, जो जो मेरे को चाहिए इस केस में, कि मेरे को एक आरबी चाहिए था 5 lakh है, नेट प्रोसीड चाहिए था वो 4,75,000, तो अब हम चलिए अब इसकी क्या हम फिल कर लेते हैं, वैल्यूज को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई है, आई है, तो आई की हमें इसमें क्या फिल करनी पड़ेगी, वैल्यू आई हमारे पास राजू कितना आया था, 60,000, है ना, ये रहा 60,000, 1 minus 0.5 क्योंकि 50% था, प्लस 1/n कितना था राजू मेरे पास, 5, रिडीम वैल्यू एज इट इज है 5 lakh माइनस नेट प्रोसीड 4,75,000, ठीक है, एंड होल इज
डिवाइडेड बाय व्हाट 5 लाख प्लस 4,75,000। ठीक है जी, ये हमने अपनी सारी क्या कर ली है, फिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम आगे अपना फर्दर देखते हैं क्या आएगा। हाँ जी, तो ये भी रब हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कितना डाला था, 5 लाख डाला। तो अब यहाँ देखिए 60,000 1 माइनस 0.5 यहाँ 60,000 इंटू पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 1/5 ये लेस करके आपके पास वही 25,000 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फॉर्मूला में था 1/2 हो गया था ना पहले 1/2, 5 में 475 अगर ऐड करेंगे तो यू गेट 9,75,000। डन। अब राजू इस पूरी कैलकुलेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। ये मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको ये पीछे वाला भी विजिबल रहे। ये मैं यहाँ लेके जा रही हूँ। डन। यहाँ हमने 60 को 0.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करा तो इट कम्स 35,000 प्लस यहाँ 25 आ गया था, 5 के साथ आपने डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5,000 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आपने क्या करना है राजू, यहाँ पे डिवाइड कर देना है इसको 9,75,000 को 2 के साथ। तो ये करके आपके पास कितना आने वाला है, 417 का क्या लग गया आपके पास 87 5। ठीक है, ये अब इन सारे को आपने मल्टीप्लाइड भी क्या करना है 100 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये जब आप सारा सॉल्व करोगे तो लास्ट में आप देखोगे, आप अपना कैलकुलेटर साथ में रख के बैठिए, कैलकुलेशन साथ में करिए अपनी, तो दिस इज माय आंसर। तो मल्टीप्लाइड बाय हमने इसको 100 के साथ भी करना, 3.59% में करना ना, इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ गया आफ्टर टैक्स के। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये सम कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट सम, अ कंपनी इश्यूड रुपीज 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे भी 1 लाख है और यहाँ पे 100 रुपीज है, तो इट मींस मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो गिवन नहीं है, वो मैं फाइंड आउट करूंगी 1 लाख को 100 के साथ डिवाइड करके अगर मेरे को चाहिए होंगे। द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये इस केस में आपके पास एन जो है वो कितना दे दिया गया है, 7। टैक्स कितना दे दिया गया आपको, 0.35% का हमने कर दिया। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ इश्यूड एट पार, बी इफ इश्यूड एट 10% डिस्काउंट, सी पार्ट कहता है इफ इश्यूड एट 10% प्रीमियम, एंड डी पार्ट कहता है इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2% एंड इश्यूड एट पार। तो ये 4 एक तरह से सम्स हैं जो एक ही सम में हमारे आए हुए हैं, सो दैट हमें सारे केसेस जो हैं वो पता चलता है। अब आपने सभी सम्स में एक बात नोट करी है कि रिडीम वैल्यू जो रहने वाली है वो उसके बारे में हमें बात नहीं कर रहे हैं, वो हम पार ही लेंगे, बट इश्यूड वैल्यू जो है वो पार भी डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट भी करेंगे और प्रीमियम भी करेंगे, और एक केस हम ब्रोकरेज वाला भी डिस्कस करेंगे कि अगर ब्रोकरेज आ जाती है
तो हम उसको कैसे डील करें। ठीक है जी, तो यहाँ हम अपने फर्स्ट केस के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इश्यूड एट पार होगा तो हम इसको कैसे डील करें। तो पहले तो ये टैक्स वाला केस है, मेरा फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। फॉर्मूला आप जितनी बारी लिखोगे ना बच्चा, उतनी बारी आपको याद रहेगा। ए इक्वल टू क्या था जी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आना है, यहाँ पे 1 बाय एन आर वी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 1 बाय टू आर वी प्लस एन टी। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। वही हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सबसे पहले तो चाहिए अपना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन कह रहा था वन कितना है जी, ये 10 लाख। 10 लाख के आपके पास क्या है, डिबेंचर है, और 12% उसके ऊपर आपको क्या पे करना है जी, इंटरेस्ट। तो आपके पास परसेंट पे करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अमाउंट, जो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएंगे 1,20,000। फिर मेरे को n पता होना चाहिए, n मेरे पास यहाँ पे कितना है 7। फिर मेरे को रिडीम वैल्यू पता होनी चाहिए, वो 10 लाख ही है, कोई चेंज नहीं है। नेट प्रोसीड पता होनी चाहिए, तो इस केस में आपके पास क्या है, पार वाला ही केस कर रहे हैं, तो ये 10 लाख ही रहने वाली है। बड़ा ही सिंपल सा सम है। अब हम ये सारी जो वैल्यूज हैं अपनी क्या कर देंगे राजू, फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए फिल करते हैं। फिर यहाँ देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1,20,000। 1 minus 0.35 plus 1/7 आरबी। आरबी भी कितनी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि आरबी और एनपी बोथ आर से है ना, तो इट मीन्स ये माइनस करके तो जीरो ही आने वाला है, तो इन सब को मैं डिवाइड कर दूंगी 1/2, तो 10 लाख प्लस 10 लाख। तो बच्चों जब आप 1,20,000 को ये 1 minus 0.35, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1,20,000.65 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये तो क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि 10 minus 10 जीरो, तो जो भी जीरो होता है उसको जितने से मर्जी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो वो जीरो ही रहता है। ये मेरा आ गया 20 लाख। ठीक है जी, अब ये आप सारी क्या करिए कैलकुलेशन साथ के साथ कैलकुलेटर लेके बैठा करिए प्लीज, सो दैट आप भी इसके साथ साथ एक तरह से आपकी क्लास ही चल रही है। आप ऐसे सोचा करो कि कॉलेज में बैठे हैं साथ के साथ टीचर करा रहे हैं, तो हमने जैसे साथ के साथ क्लियर करना होता है ना। तो चलिए यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके 1,20,000 को ये मेरे पास फिगर आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों 78,000। ये सब मैं यहाँ लेके गया, ठीक है, इन 78,000 प्लस जीरो डिवाइड करके आपके पास आ गया 10 लाख। और जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय क्या भी करना है 100। तो ये मेरा फर्स्ट का क्या आ गया आंसर, आ गया 7.8%। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस अभी मैंने डिस्कस करा है, व्हेन द इश्यूड एट पार।
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे, इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। बाकी इंफॉर्मेशन आपने सेम रखनी है, सिर्फ इस सम में आपका नेट प्रोसीड जो है वो चेंज होने वाला है, आपका डिस्काउंट पे अब क्या होने वाला है, इश्यू होगा। ठीक है, चलिए करते हैं फिर सेकेंड केस, सेम है बिल्कुल ही, बस नेट प्रोसीड को हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला एक बार फिर लिखना पड़ेगा हमें, के डी ए फटाफट लिख लेते हैं जी, इंटरेस्ट 1 - t + 1/2 RV - net proceed डिवाइडेड बाय, यहाँ n आना था है ना, यहाँ आएगा 1/2 RV + net proceed। ठीक है जी, अब हम अपने वर्किंग नोट्स तो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं। तो आई मेरा कितना आया था पिछले केस में, आई मेरे पास राजू कितना आया था, 1,20,000 है ना, यही था ना, हाँ यही था, 10 लाख के ऊपर 12% तो वही रहने वाला है, आरबी भी वही रहने वाला है, पी एन भी 7 ही रहने वाला है, नेट प्रोसीड सिर्फ हम करेंगे, नेट प्रोसीड कितनी होगी, 10 लाख - डिस्काउंट है ना, 10 लाख के ऊपर आपको 10% जो है वो डिस्काउंट करना है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये करके आ गया 1 लाख और ये मेरे पास अमाउंट आ गई है 9 लाख। तो मेरी ये नेट प्रोसीड सिर्फ इस सम में चेंज हुई थी, वो मेरे पास कितनी आ गई है, 9 लाख। बाकी सम मेरा वो कैलकुलेशंस जो है वो सेम रहने वाली है इंटरेस्ट की। चलिए यहाँ फिल करते हैं, इंटरेस्ट था 1,20,000, 1.35 + 1/ कितने इयर्स है, 7, आर बी सेम रहने वाली है 10 लाख माइनस व्हाट 9 लाख होल डिवाइडेड बाय 1/2 10 लाख प्लस 9 लाख। ठीक है जी, अब आप इसकी क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट में हमने जब 1,20,000 को 0.35 माइनस करके 0.65 आया था और ये सारी कैलकुलेशन कर करा के मेरे पास ये अमाउंट आ गई थी। दोबारा रिपीट नहीं करते हुए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आना था 78,000 प्लस 1/7 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और 19 लाख। ठीक है, ये आप अपनी क्या करेंगे, सारी क्या करेंगे राजू, कैलकुलेशंस आप करेंगे ये, और इसको मल्टीप्लाइड हम हर बारी बाद में लगाते हैं, इनटू क्या लगाना होता है, 100 लगाना होता है, क्योंकि परसेंटेज में मेरे को इसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए परसेंटेज में। तो ये कर करा के आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा ये 9.71%। ठीक है जी, डन। ये मेरा कौन सा केस था, मैंने ये सेकंड केस करा है डिस्काउंट वन, डन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थर्ड केस, थर्ड केस कौन सा केस है, फॉर्मूला रहने देते हैं अपना, नहीं तो दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा। तो थर्ड केस हमारे पास कौन सा है जी, प्रीमियम का केस है। अब जो नेट प्रोसीड आने वाली है वो रिडीम वैल्यू से बढ़ के आने वाली है, अब तो ये माइनस में आ जाएगा जी, हम क्या करें, कोई बात नहीं जी, आ जाने दो माइनस में,
हम माइनस का साइन लगा देंगे और क्या है, चलिए देखिए क्या है, इश्यूड एट 10% प्रीमियम। थर्ड केस का विचार रही हूँ। थर्ड केस में देखिए हम पहले अपने वर्किंग नोट्स ही करते होते हैं। रिडीम वैल्यू तो वही रहने वाली है, हमें सिर्फ नेट प्रोसीड को चेंज करना है और आय भी वही रहेगा 1,20,000। ठीक है, मेरे को सिर्फ अपनी नेट प्रोसीड चेंज करनी है। कितनी आने वाली है बच्चों को, 10,00,000 प्लस 10,00,000 का मेरे को क्या करना है, 10% करना है। तो जो 10% आपको करना है तो वही वहां पे 1,00,000 आपका डिस्काउंट आया था ना 10% करके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये अब मेरे को प्रीमियम है तो प्लस करना है, तो ये मेरा कर करा के आ गया बच्चों 11,00,000। ठीक है जी, तो मेरी नेट प्रोसीड अब इस केस में आ रही है 11,00,000। अब हम इसको क्या कर देते हैं राजे, अब देखते हैं माइनस वाला कैसे ये काम होगा हमारे पास। अब फिलिंग करते हैं, कैसे थे आप, 1,20,000 वन माइनस 0.35 प्लस 1/7 रिडीम वैल्यू, रिडीम वैल्यू वही रहेगी 10,00,000 माइनस 11,00,000 होल डिवाइडेड बाय 1/2 10,00,000 प्लस 11,00,000। ठीक है, वर्किंग नोट्स तरफ करने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये आप इतनी देर अपना कैलकुलेटर यूज करके ना कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये फर्स्ट जो 0.65 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने करा था ये आता है 78,000। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया 7/10, बट ये आया आपके पास माइनस में 1,00,000, क्योंकि 10,00,000 माइनस 11 है डिवाइडेड बाय 1/2 1,00,000 कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ याद होगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चा, माइनस होता है आपके पास। तो ये आप 1,00,000 को 7 के साथ सिंपली कैलकुलेटर पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास यहाँ 78,000। यहाँ हम अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये आपके पास पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा आया है समझने के लिए कि यहाँ पे जब ऐसे आपकी नेट प्रोसीड बढ़ जाए तो आपके पास यहाँ साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप 1,00,000 को 7 के साथ सिंपली डिवाइड करेंगे, तो जब आप ये डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आ रहा है 1,4,285.71, ये क्या है 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1,050,000। ठीक है, ये अब आप 78,000 में से ये माइनस करोगे इंस्टेड ऑफ आप इसको प्लस करते थे। अब जब ये पूरा कैलकुलेट आप कर लेंगे और इसको साथ में मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 100, तो ये कर करा के आपके पास आंसर आ जाएगा 6.07%। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने पॉइंट कराया कि जब आपके पास नेट प्रोसीड मोर देन आरवी हो जाए तो हमने इसको डील कैसे करना है। डन, अब नेक्स्ट हमारे पास केस, लास्ट जो केस है वो कौन सा केस है राजू, ब्रोकरेज का केस है। ब्रोकरेज के केस में आपने क्या करना है कि
कि नेट प्रोसीड पे ही इफेक्ट आने वाला है ब्रोकरेज का, ठीक है। वैसे तो इश्यूड एट क्या है, उन्होंने दे रखा है पार है, लेकिन आपने ब्रोकरेज को जो है वो पार वैल्यू से क्या देना है, डिडक्ट कर देना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला भी मेरा इरेज हो जाता होगा। तो हमारी हम क्या देखते हैं, अपने वर्किंग नोट्स देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रोसीड देखनी है, नेट प्रोसीड मेरे पास ये है 10 लाख की और ब्रोकरेज है 2%, तो वो मैं 10 लाख का क्या कर दूंगी, 2% कर दूंगी बस। 2% जो भी आपका कितना रहा है, ये कितना आएगा बच्चों, 20, तो ये मेरे पास आ गया 9,80,000 नेट प्रोसीड बस। बाकी सब तो अब हमने जस्ट क्या करना है, जैसे पहले करते आए हैं, फिल करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए फिलिंग भी कर देते हैं, यहाँ पे कितना था 1-0.35 और अगर आप 1/7 आरबी कितना लेना है, वही 10 लाख माइनस व्हाट 9,80,000 डिवाइडेड बाय 1/2 और 10 लाख प्लस 9,80,000, ठीक है जी। अब अगेन आप अपना इसको कैलकुलेट करेंगे सारे टर्म्स को, एक आपका जब सारा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कर कर आके आपके पास हमें पता है यहाँ पे ये आता है 78,000, ठीक है। तो ये बाकी आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेना कि कितना आता है, ये मेरा कितना आएगा बच्चा, वही आता होता है 20,000 1/2 और ये इतना हो गया आपके पास। ये आपके पास जब आप अपना ये पूरा सॉल्व करेंगे और इसके मल्टीप्लाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 8.167% इज योर आंसर। तो ये हमने आपके साथ आज पूरे 4 के 4 केस जो हैं वो डिस्कस करे हैं। तो ये आज का हमारा क्या था राजू, ये हमारा आज का वीडियो था। अब हम नेक्स्ट केस में जो नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 3 लेकर आने वाले हैं, उसमें आपके साथ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है। होप करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, सो डेट जब भी हमारा नया वीडियो कोई भी आता है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।